बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे। ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूवर्स के लिए, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बीए और बीकॉम के तलबा की इंतजार की घड़ियाँ खत्म होती है। काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के इंतजार की घड़ियाँ खत्म होती है। यूनिवर्सिटी की जानब से सेकंड जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो बीए और बीकॉम के स्पेशली तलबा के माइंड में, उनके नॉलेज में होना बहुत ही जरूरी है, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आपने रिजल्ट कब और कैसे चेक करना है ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बता दीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि हर आने वाली एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी के ऊपर आपको मिल रही है। और इंशाल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही आपकी हेल्प करने की, और मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अजीज सरवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जल्दी से मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं, और बाकी रिजल्ट कैसे चेक करना है, कब आना है, वो भी मैं जल्दी से आपको बता दूं, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि टाइम जो है आपके पास भी नहीं होता। आपने वो गेम्स वगैरह भी खेलती थी, पबजी वगैरह। लेकिन खैर, आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो रिजल्ट और पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो तमाम तो स्टूडेंट्स ये वाजिब सुन लें। यहाँ पर मैं एक पिक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो की इस साइड पर लगा दूंगा, आप उसे खुद भी रीड कर लीजिएगा। जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि ठीक नहीं लगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ने पेपर अच्छे किए, जिन बच्चों ने एंटर असेसमेंट दिए, या जिन बच्चों ने एलएमएस के ऊपर जमा किए मार्क्स नहीं लगे, या पेपर जो उनके एक्सेप्ट नहीं होते, वो तो एक एक्सेप्टिंग की तो एक अलग बात है, लेकिन मार्क्स अगर ठीक से नहीं लगते, आपको फेल कर दिया जाता है, कम लगे होते हैं, तो आपने मुझे फौरन से पहले कमेंट करना है, ताकि आपकी जल्द से जल्द हेल्प की जा सके और आपके साथ 100% सोल्यूशन में शेयर कर दूंगा। उसके जरिए आप जल्द से जल्द अपने मार्क्स की करेक्शन कर पाएंगे और आपके मार्क्स इंशाल्लाह लग जाएंगे। और आपके मार्क्स किस बुनियाद पर लगेंगे, कितने कितने लगेंगे, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, और सेकंड आपका जो रिजल्ट है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स बीए और बीकॉम के बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्या सर जुलाई के अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इससे पहले आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने एक तो वाजे अलर्ट कर दिया तमाम तर ट्यूटर्स को। अगर कोई भी इलामे क्लब यूनिवर्सिटी ट्यूटर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक तो मेरी इन बच्चों की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ मतलब कि कॉपरेट किया जाए, इनके मार्क्स अच्छे लगाए जाएँ। बाकी आप तमाम तर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैंने ये बात बिल्कुल ठीक की है, और काफ़ी ट्यूटर भी मुझसे ये बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो बाकी खैर, जैसे बच्चों ने पेपर किया वैसे तो आपके लगेंगे इंशाल्लाह। और तमाम तो स्टूडेंट्स सुन लें, आपके जो रिजल्ट है, एक तो मेरी आप तमाम तो स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दिल से दुआ कि आपके रिजल्ट में स्पेशली एक ग्रेड प्लस मार्क्स हैं, ये मेरी दिल से दुआ है। आप तमाम तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखेगा, आमीन आमीन सुम आमीन। और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंदर ही आ रहा है, जुलाई की 10 तारीख तक आपका जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, 10 से 15 तारीख तक, हो सकता है मे बी 8-9 को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एक टाइम एक पीरियड आया सामने वो 10 से 15 जुलाई, इससे पहले ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में कोई डिसीजन चेंज होता है, कोई फैसले में चेंजिंग होती है, तो वो मैं आपको वक्तन एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।